नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूज रहता है, नया कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट और जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के मन में कुछ ना कुछ हेडेक, डाउट रहता है। उस कारण वो अपना ना कहने का मतलब जो सफलता लेना चाहते हैं उसको भी मिस कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके पास बहुत समय है, तो इस समय को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए और इस समय में आप अपना पढ़ाई और तैयारी के साथ डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के साथ साथ एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप भर्ती प्रक्रिया के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आपके पास कम से कम 20 फोटो चाहिए। 20 फोटो ऐसा चाहिए दोस्तों कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो व्हाइट रहना चाहिए दोस्तों, और एकदम सीधा सीधा, एकदम साफ सफाई, हेयर कटिंग के साथ एक नंबर का फोटो रहना चाहिए। वही फोटो आप जब फॉर्म डलवाते हैं तो उस फॉर्म में आपको वही फोटो देना है जो आप भर्ती के समय जाते हो। ये दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ सेम यही प्रक्रिया आपके इंडियन आर्मी में भी होता है। तो मैं आप अभी छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की बात कहना चाहता हूँ। अब बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगला, तो सबसे पहले तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, आपका स्कूल से चरित्र प्रमाण मिलता है वो ठीक है, लेकिन आपका थाना है वहाँ से, कहने का मतलब दोस्तों पुलिस थाना से चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, खासकर जो ASI हो या RHO हो। तो आप कम से कम दोस्तों थाने से चरित्र प्रमाण पत्र वर्तमान वाला बनवा लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके तीसरे नंबर पे रोजगार पंजीयन। हाँ दोस्तों, आपके जिले में आपका रोजगार कार्यालय है, रोजगार पंजीयन करवा लीजिए आप ना, रिजल्ट 10वीं 12वीं जो भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है 10वीं 12वीं का, उसमें का जो आपका सरनेम और नेम स्पेलिंग है उसको आप आधार कार्ड में सेव करवाइए, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड और रिजल्ट का जब तक स्पेलिंग मैच नहीं खाता, तो जैसे मैच नहीं आता तो दोस्तों बाहर कर दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसा तमाम दिक्कतें आती है। मैं ये दिक्कतें सिर्फ पुलिस में नहीं, वर्ल्ड के कोई सा भी ऑनलाइन कहने का मतलब वैकेंसी सरकारी फॉर्म डाल रहे हो, समझ गए होंगे मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप इस सभी में सही सही स्पेलिंग रखिएगा और डेट ऑफ बर्थ इनको। और अब बात आती है दोस्तों आपका कहने का मतलब आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का कम से कम 5-6 फोटो कापी रख के जाइएगा, कम से कम 10 रख लीजिए, 10 फोटो कापी तो रख ही लीजिएगा, काम आता रहता है, नहीं आता फिर भी अच्छा बात है, तो कम से कम 10 फोटो कापी। उसके साथ साथ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हर छत्तीसगढ़ के हर ग्राम में आपका वोटिंग लिस्ट वाला फॉर्म डाल रहा है। तो आप नए कैंडिडेट है, आपका अभी तक का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, तो आप नाम जुड़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वोटर आईडी में आपका नाम रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके साथ दोस्तों, आपका आधार का राशन कार्ड का भी फोटो कापी रख लेना चाहिए। उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि दोस्तों इसके बाद ऐसा आता है कि आपका ये जो बोलते हैं ना मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि आपका मेडिकल तो वहाँ पे क्या बोलते हैं भर्ती के बाद आपका तो मेडिकल टेस्ट किया जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ दिक्कतें रहती है, दांत कान नाक, तो उसका आप नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट रख लेना चाहिए, क्योंकि समय में कोई दिक्कत ना आए। तो इन ऐसे ऐसे छोटे छोटे तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, इनका मैं आपको बताना चाहता हूँ 10वीं और 12वीं करी जाए, तो 10वीं 12वीं का आप ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों रख के जाइएगा, बस इतना ही लगता है। और जैसे कि और लगेगा आगे चलकर तो हम एक आध वीडियो और स्पेशल बना देंगे। और दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 अंक, यदि आप NCC NNS खेल नहीं किए फिर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास लाइसेंस है, यदि आप अभी से अप्लाई कर देते हो आगे आने वाले भर्ती तक, तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और कैसा था इस वीडियो में एक बार कमेंट करिएगा दोस्तों। कई लोगों को फालतू जरूर लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भर्ती के साथ साथ
कुछ जरूरी जानकारी ना दें, तो जितनी भी हमको जानकारी पता था हम आपको बताया है। आशा करता हूँ लाइक सब्सक्राइब करेगा, यही बने रहेगा।